साहब, जिस तरीके से नौजवानों में मोबाइल का क्रेज बढ़ा और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि लगातार क्राइम भी बढ़ रहा है, किस तरह देख रहे हैं और क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवानों को और उनके घर वालों? मुस्लिम इलाके को छोड़ करके ये क्राइम रेट जो है वो दूसरे इलाकों में बहुत कम है। हमारे यहाँ, हमारे समाज में खासकर पढ़े लिखे लोगों ने अपने बच्चों के ऊपर से ध्यान हटा लिया है। मोबाइल ने इस तरह से सबको तितर बितर कर दिया है कि माँ बाप अलग मोबाइल में लगे रहते हैं, बच्चे अलग लगे रहते हैं, कोई किसी के ऊपर वॉच एंड वार्ड नहीं करता, बच्चों की देखभाल नहीं करता, तरबियत नहीं करता। उससे मोबाइल के दुरुपयोग हो रहे हैं और उसका हालिया एग्जाम्पल दिल्ली में हम रोज़ देख रहे हैं। कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं छीना झपटी हो रही है, कहीं क्राइम बढ़ रहे हैं, और ये बात सिर्फ मुस्लिम इलाके में ही ज़्यादातर हो रही है। अभी हमारे जामिया नगर में ही पिछले हफ्ते दो इंसिडेंट्स हो गए जिसमें एक 16 साल के बच्चे की डेथ हो गई, और हम लोग पुलिस को दोष देना शुरू कर देते हैं कि पुलिस ने, पुलिस हर एक आदमी के ऊपर, पर्टिकुलर एक एक आदमी के ऊपर वॉच एंड वार्ड तो करेगी नहीं। ये ड्यूटी माँ बाप की है कि वो अपने बच्चे की देखभाल करें, उसका मोबाइल चेक करें, उस पर नज़र रखें किस टाइम जा रहा है, किस टाइम आ रहा है। तो पुलिस के साथ साथ माँ बाप भी दोषी हैं इसमें, और माँ बाप की गलती मैं ज़्यादा कहूँगा, पुलिस की गलती भी है। लॉ एंड ऑर्डर हमारे इलाके का बिल्कुल फेल हो गया है। नहीं तो जो माँ बाप हैं वो बच्चों को किस तरीके से तरबियत करें, क्योंकि आप देख रहे हैं मॉडर्न ज़माना है, इस चीज़ में बच्चों के ऊपर तवज्जो कम दी जा रही है। बच्चों के ऊपर तवज्जो कम दी जा रही है। मैंने अपनी बात के शुरू में ही कहा है कि बच्चों के ऊपर माँ बाप को तवज्जो देने की ज़रूरत है, सबसे इंटरेक्शन करने की ज़रूरत है, मेल मिलाप जैसे पुराने ज़माने में होता था कि बड़े बुज़ुर्ग बच्चों को साथ बैठा के समझाते थे, उनकी तरबियत करें, उनके इसलाह करें, उनको नेक राहों पर चलने की तौफीक और अच्छे रास्ते सिखाएं। अब ये सब चीज़ों से कट गए हैं। माँ अपना मोबाइल लिए हुए रात को सीरियल देख रही हैं, बाप अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, तो बच्चे नेचुरल से चीज़ें बिगड़ेंगे। अच्छा, माँ बाप बच्चों को कंपटीशन में चाहे उधार लेकर के स्मार्टफोन दिला रहे हैं, गुंजाइश है नहीं बच्चे की चलाने की, माँ बाप की नहीं है, लेकिन लोन लेके दिखा रहे हैं कि हम बराबर वाले से कम नहीं हैं। इन सब चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, वरना मुआशरा बहुत तेज़ी से उस दलदल में घुस जाएगा कि जिसको हम सुधार भी नहीं सकते हैं। इसके लिए पुलिस को दोष देना सही है कि पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, लेकिन माँ बाप का भी फेलियर है, और माँ बाप की जिम्मेदारी मोहल्ले की, भाई बहनों की, और मस्जिदों के इमाम की, टीचरों की, इन सब की जिम्मेदारी पुलिस से ज़्यादा है। इनको अपने बच्चों की, अपने नौजवानों की, अपने रहने वाले इलाके के मोजिज़ लोगों की, सबकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने माशरे की बेहतरी और भलाई के लिए अच्छे काम करें और बच्चों को सही से तरबियत दें कि वो बच्चे मोबाइल से दूर रहें और मोबाइल को सिर्फ मोबाइल की तरह यूज़ करें। कि वो मोबाइल एक एक घंटे बच्चे बात करते हैं मोबाइल के ऊपर, मोबाइल इसलिए थोड़ी एक घंटे आप बात करें, मोबाइल तो आपकी लोकेशन के लिए है कि मैं मम्मी यहाँ हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, सिर्फ इतनी बात होती है। लेकिन माँ ही बेटे से पूरी आधा आधा घंटे बातें करती हैं। मोबाइल का दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। मोबाइल का यूज़ जो होना चाहिए था, जिसके लिए मोबाइल की डिस्कवरी की गई, या फॉरेन में जिस तरह यूज़ होता है उसका, उस तरह हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा। मोबाइल का मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है, क्राइम रेट बढ़ गए हैं, इंटरनेट के आने के बाद से तरह तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, रोज़ नया एक फ्रॉड सुनने को मिलता है। ये सब मोबाइल की ही देन है। मोबाइल का जहाँ फ़ायदा होना चाहिए फ़ायदा कम हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है, समाज मुआशरा सब इस मोबाइल की वजह से बर्बाद हो रहा है। इसके लिए हम सब उसके ज़िम्मेदार हैं, और हम ही इसको सही कर सकते हैं। अभी भी वक्त है कि हमें जाग जाना चाहिए और अपने मुआशरे की नए सिरे से ओवरहॉलिंग करके अच्छी तरीके से मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, नहीं तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। मोबाइल जो है ये एक बहुत अच्छी सुविधा है, मोबाइल से काम शॉर्ट काम हो जाते हैं, बहुत फ़ायदे हैं, मगर इसको गलत तरीके से हमारे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। ये हमारे ही हमारे घर वालों की बहुत बड़ी कमी है कि हम ये नहीं देखते कि हमारा बच्चा इतनी देर से मोबाइल में लगा हुआ है, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। और ये नेट जब से आया है ये इसने वो बर्बाद कर दिया। ये यहूदियों का एक मामला था जो इस ये नेट वगैरह दिया, इन्होंने टीवी दिया, हमें मोबाइल दिया, उसको हम मुसलमान लेकर इसको लेके चल रहे हैं और ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल से बहुत बड़े नुकसान है, फ़ायदे तो हैं और नुकसान तो हम लोगों ने बना दिए ना, किस तरह हम इस्तेमाल करेंगे कि ज़्यादा कर रहे हैं। इस मोबाइल से बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, पुलिस को बहुत बड़ा फ़ायदा है, इसको पकड़ लिया जाता है, चोर है या क्राइम करने वाला जो भी है उसको मोबाइल के ज़रिए बहुत बड़ी हेल्प मिली पुलिस को, और बहुत फ़ायदे बहुत हैं इसको। मगर इसके तरीके जो कार है वो हमारा गलत है, हमारे बच्चों का गलत है जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ओखला में जिस तरीके से क्राइम बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, इसको किस तरह देख रहे हैं? ओखला में बढ़ती आबादी ठीक है, लोग बढ़ती आबादी सभी जगह है,
ये सबसे बड़ी कमी हमारे गार्जियन की कमी है, माँ बाप की कमी है। ये नहीं देखता कि हमारा बच्चा रात को 2 बजे कहाँ से आ रहा है, किस काम को गया था, मालूम नहीं करते कि बच्चों मालूम करना चाहिए भाई 10 बज गए 11 बजे घर आओ। ये सबसे बड़ी कमी हमारे बच्चों के घर वालों की है। दूसरा ये जो हमारे RW बनी हुई हैं यहाँ पर, सब ने अपनी अपनी बना कर रख ली हैं, काम कोई नहीं करता। हमारे सबसे जागरूक होना पड़ेगा पहले RWA को, हमारी वो लोग अच्छे लोग रहें और निकल कर आएँ बीच में, अपने मोहल्ले गलियों में घूमें, देखें कौन किस तरह का क्राइम हो रहा है, वो रोकें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी घर वालों की, उसके बाद हमारे RW की है। RW को हमारे को निकल कर आना चाहिए और देखें कि भाई किस तरह का यहाँ पर क्राइम चल रहा है, ये जिम्मेदारी बनती है हमारी। पुलिस का मामला तो बीच में है, अभी आपने अगर कोई क्राइम कर दिया तो पुलिस जो है वो तो आएगी आएगी, मगर पुलिस अकेली क्या करेगी इसके अंदर। ये जिम्मेदारी हमारे गार्जियन की और हमारे RW वालों की जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा हम इसको इसके लिए जागरूक हों, देखें और अपने एरिए को ध्यान रखें इस चीज़ पर। इसी के साथ में एक सियासी सवाल, मदरसे का सर्वे चल रहा है, इसको किस तरह देख रहे हैं? मदरसे के सर्वे में कोई परेशानी कोई है? जिस तरह के मदरसे खुले हुए हैं, बहुत सारे अपने निजी 200 गज ज़मीन ली, 100 गज ज़मीन ली, उसमें 10 बच्चे बिठा दिए अपने रोज़ रोटी चल रहे हैं। भाई सरकार जो मदरसों को कर रही है आधुनिकरण करना चाह रही है कि वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई हो, कंप्यूटराइज हो, और अगर सर्वे हो जाएगा तो उसमें हमें एड मिलने का भी बेनिफिट है। एड भी मिलेगी, मदरसा अच्छा है, बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो हमें गवर्नमेंट एड देगी। जिस तरह से हमारे मदरसों का तंजीम का चल रहा है, हम भी चाहते हैं कि और जो तंजीम है जो मदरसे चला रही है या स्कूल चला रही है या और कोई तंजीम है, उनका भी सर्वे होगा, उनका भी सर्वे होने वाला है। ऐसी बात नहीं है कि किस तरह का हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों ने बदनाम कर दिया, मदरसे हैं अच्छे, मदरसा देवबंद है बेहतरीन मदरसा, आलिम फाजिल बनकर निकलते हैं वहाँ से। कुछ लोगों ने मदरसे अपने ज़ाति खोलने के बाद उसमें उल्टे सीधे काम करते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, तो इस चीज़ पे सरकार ध्यान दे रही है मदरसों के ऊपर कि मतलब हमसे जो हेल्प होगी हम करेंगे। मुसलमानों को करीब लाना चाह रही है BJP, भारतीय जनता पार्टी कोई इस तरह का नुकसान नहीं कर रही, मदरसों को लेकर एक बेनिफिट मिलने वाला है, डरने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। क्योंकि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, और मैं तो समझता नहीं कि साहब वो कोई परेशानी होगी। लोग डरते हैं, दूसरे लोग डराते हैं, कांग्रेस वाले, आप पार्टी वाले, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी डराती मुसलमानों को, हंगामा कर देती है कि साहब मदरसों का सर्वे चल लिया, पता नहीं क्या होने वाला, आतंकवादी, इस तरह की कोई बात नहीं है। चलने तो मदरसों सर्वे चल रहा, हमें बेनिफिट होना मुसलमानों को, इस तरह की बात कोई गलत बात नहीं है, होना है होने दो। हम यही कहेंगे मुसलमानों से, भाई अपने बच्चे पढ़ाओ, ज़्यादातर तालीम पर ध्यान दो, अपने रोज़गार पर ध्यान दो, कौन क्या कह रहा कहने दो उसको, सरकार सब देखती है, सबका बेनिफिट होता, ऐसी बात नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है और वो उसी उस पर चल ही रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। गलत को गलत कहा जाता है, वो हिंदू है, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सब जो गलत है गलत है वो, ना हम चाहते हैं कि भाई इस तरह के सब मिलकर रहो आपस में, हिंदुस्तान सभी का है और सबको मिलजुल कर आपस में रहना चाहिए और नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सरकार अपना काम कर रही है और करती रहेगी।